हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ पतले हल्के एंड छोटे बालों में आप हाई बन बना सकते हो। बहुत ही क्यूट लगेगा एंड बहुत ही आसान तरीके से आप बना लोगे। और पतले हल्के बाल हैं, बेबी हेयर्स हैं, तो भी ये हेयर स्टाइल आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस हेयर स्टाइल में आपको 3 ये रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी पतले वाले। आप चाहो तो मोटा वाला भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे पतला वाला ही यूज किया हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से पहले मैं एक ईयर के पास से दूसरे ईयर के पास तक सारे हेयर ले ले रही हूँ और एक पोनी बना लूँगी पहले। जिसके भी पतले बाल हैं वो भी ये हेयर स्टाइल ईजिली बना सकते हैं, और जिसके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनमें बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिखती है, तो उसके लिए भी मैं अभी एक सोल्यूशन बताऊँगी, तो आप ज़रूर ट्राई कर लेना। तो इस तरीके से मैंने हेयर को लिया है और यहाँ पे रबड़ लगा देंगे। और इसको थोड़ा सा टाइटली इस तरीके से कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच देंगे ताकि जो आपका हेयर है वो अच्छे से लुक आए और बहुत फ्लैट लुक ना आए, क्योंकि पतला हेयर होता है तो अक्सर हमारे हेयर बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं जिसके वजह से लुक अच्छा नहीं आता है। और सारे बाल को फ्रंट की तरफ करके इस तरीके से मैंने क्लचर लगा दिया। फिर जो बैक के हेयर बचे हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ कॉम करके ले जाना है। एक यहाँ पे और रबर बैंड लगा देंगे। हाई बन बता रहे हैं तो इसलिए सारी पोनी आपको हाई ही बनानी है। ओके, अब इसको टाइट कर देंगे। सेम इसी तरीके से एक और पोनी आपको बनानी है बैक में। तो यहाँ पे एक पोनी और बना ले रही हूँ मैं। इसी तरीके से सेम आपको भी बनाना है और इसको टाइट कर लेंगे। बैक वाले को टाइट रखना है एंड फ्रंट वाले को थोड़ा सा इस तरीके से खींच के थोड़ा पफ का लुक दे देना है। तो आपके पास इस तरीके से 3 चोटियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो आपके साइड के दो चोटियाँ हैं पहले से एक को लेना है एंड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके आप फ्रंट वाले पार्ट पर लेके आओगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक पिनअप करोगे इसको जूड़ा क्लिप की मदद से। तो जूड़ा पिन ले लेना है एंड इसको ट्विस्ट करके ले आना है फ्रंट में। ट्विस्टिंग करते करते आपको थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से खींच लेना है ताकि जो बालों में वॉल्यूम अच्छे से आए। और यहाँ पे लेके आओगे रबड़ बैंड के पास, और रबड़ बैंड में अटैच करते हुए आपको ये पोनी को रबड़ बैंड के साथ ही लगाना है ताकि जो आपका जूड़ा पिन है वो निकल ना जाए। रबड़ बैंड के साथ लगाने से बहुत ही अच्छे से टाइट होता है आपका जो आपका जूड़ा पिन है वो। और फिर सेकंड जूड़ा पिन आपको इस वाले रबड़ बैंड के पास लगाना है। ओके, फिर आपको ये वाला हेयर जो है उसको ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके थोड़ा थोड़ा खींचना है। देन बैक साइड से लेके आओगे और यहाँ पे लाके इस वाले पोनी के पास यू पिन लगाओगे, और जो आपका लास्ट पॉइंट वाला हेयर है उसको अंदर की तरफ इन करते हुए रखना है। देन बैक साइड में जो आपका फ्रंट से हेयर गया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से लपेटना है टाइटली थोड़ा, और इस पे भी यू पिन लगा देना है। यू पिन आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पे आपने रबड़ बैंड लगाए हुए हैं वहीं पे लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा एंड काफ़ी अच्छा दिखेगा। और जैसे टाइटली हमारा बन बनता है तो हमको कॉन्फिडेंट भी अच्छा रहता है और लॉन्ग टाइम तक हमारा हेयर स्टाइल बिगड़ता नहीं है। और ये मैसी सा हाई बन बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जो कि पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है एंड आप कहीं भी जा रहे हो तो बहुत ईजिली आप बना लोगे। छोटे पतले बाल हैं तो इस तरीके से बड़ा बन आपका बन के रेडी हो जाएगा। देन बैक से आप कॉम कर लीजिए। कॉम करने के बाद से जैसे अगर आपकी मांग दिख रही है तो दोनों साइड से थोड़े थोड़े हेयर लेना है, थोड़ा सा बन का हेयर लेना है और एक यू पिन लगा देना है, और फ्रंट से हमारा लुक काफ़ी अच्छा आ चुका है।
और इसके बाद आपको सिंपली अपना हेयर स्प्रे लेना है, हेयर सेटिंग स्प्रे, और इस तरीके से आपका भी अगर बीच से जैसे मेरा मांग दिख रहा है ऐसे अगर दिख रहा है तो आप इस तरीके से हेयर को क्रॉस करके एक साथ ले लो और एक यू पिन लेके इसके साथ ही यू पिन लगा देना है, जिससे कि आपका जो मांग है वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। एंड सेटिंग स्प्रे लेना है और कॉम कर देना है इसके ऊपर, ताकि जहाँ से भी आपके बेबी हेयर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। और आपका बन भी बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, छोटे पतले बालों में ये मैसी हाई बन पार्टी बन बन के रेडी हो चुका है। तो आपको कैसा लग रहा है आज का मेरा हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। एंड इजी ट्रिक है छोटे पतले बालों में बड़ा और खूबसूरत सा मैसी बन बनाने का, आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और ये है फाइनल लुक मेरे बन का। आपके भी इस तरीके से बाल झड़ चुके हैं, पतले हल्के हैं, तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कर लेना, जैसे कि आप गाउन पे, साड़ी पे, कोई भी पार्टी वियर या वेडिंग ड्रेस पहन रहे हो तो आप ओरिजिनल बालों में इतना बड़ा सा हैवी सा बन बना सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल पे भी ज़रूर जाइए जिसका नाम है सिलाई कोच प्रीत तिवारी। तो एक और टिप्स है इसके साथ साथ, अगर आपने यू पिंस लगाई हैं, आपकी यू पिंस लूज हैं, आप सेटिंग स्प्रे इस तरीके से लगा दे रहे हो तो आपका यू पिन कहीं भी गिरेगा नहीं और लॉन्ग टाइम तक आपके बालों के साथ आपका हेयर स्टाइल बिगड़ेगा भी नहीं और बालों के साथ चिपका हुआ रहेगा। तो आप ये टिप्स अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, डियो जो होता है वो भी यूज कर सकते हो, उसके लिए उसके साथ भी आपका हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मेरी इंस्टा आईडी प्रीति 24 है, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। लव यू ऑल, बाय गाइस।